आज 3:30 बजे उचाणा कॉन्स्टिट्यूएंसी में श्रीमती नैना चौटाला जी के दौरे थे। वहां कुछ युवाओं ने जो तथाकथित अपने आप को किसान नेता भी कहते हैं, उनने डीजे लगाकर गोगड़िया और गोगड़िया के बाद रोज खेड़ा तक सारे कॉन्वॉय को फॉलो किया और रोजखेड़ा गांव के अंदर जिसकी कुल वोटर आबादी 450-500 छोटा आबादी का गांव, वहां जाकर न्यूसेंस क्रिएट करी। उनने 6 हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई करी, जिसमें 2 महिला कार्यकर्ता है, उनके कपड़े भी फाड़े गए हैं, उनके चोटें भी आई है। 4 पुरुष कार्यकर्ता है, उनके चोटें आई है, 2 के फ्रैक्चर है। और उसके बाद वहां पत्थर फेंके हैं, पत्थर से कॉन्वॉय के एक गाड़ी का शीशा भी टूटा है। मेरी एसपी जी से बात हुई और हमने यही मांग करी है कि तुरंत प्रभाव से इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज अगर महिलाओं के साथ हमारे समाज में इस तरह का व्यवहार होगा कि पब्लिक प्लेसेस के अंदर उनसे हाथापाई छीना, जबकि उनके दुपट्टे छीने जाएंगे, इससे निंदनीय बात मुझे नहीं लगता हरियाणा की संस्कृति के लिए। और मैं तो मांग करूंगा जितने किसान नेता हैं, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के, देश के किसी कोने के, वो जरूर बताएं कि क्या ये उनके आदेश पे हो रहा है, क्या ये उनके इशारों पर लोगों ने कार्य करा है, या ये तथाकथित लोग उनके संगठनों से जुड़े नहीं हैं, तो वो खुद स्वयं पब्लिक में आकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करें। हमारी मांग ये है कि राजनीतिक दल का विरोध आप कर सकते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से करते हैं, अलग अलग जगह हुआ है, हमने भी उन लोगों से बारी बारी चर्चा करी, पर इस तरह का घटनाक्रम तो पहली बार 3.5-4 साल में देखने को मिला कि आपने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। और आज इस तरह की घटना से मुझे लगता है कि हरियाणा पानी, और हम मांग करते हैं पुलिस से भी कि सख्त कार्रवाई हर व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व था उसके विरुद्ध हो। और हैरानी की बात है, जो SHO यहाँ पोस्टेड था, ना तो वहां कोई पुलिस का व्यक्ति मौजूद रहा। जब ये इंसिडेंट हो गया और श्रीमती नैना चौटाला जी ने SHO से फोन पे बात करी और कहा कि आप आकर इंसिडेंट साइट पर FIR दर्ज कीजिए, तो SHO ने फोन पर यह जवाब दिया है कि मैं थाने में बैठा हूं, रिपोर्ट करानी है तो सारे लोग थाने में आकर रिपोर्ट करें। मैं तो DGP से बात कर चुका हूं और हम मांग करते हैं कि तुरंत उसको सस्पेंड किया जाए। और मैं चीफ इलेक्शन कमीशन को पार्टी की तरफ से हम लिखेंगे इसे घटनाक्रम के लिए कि ऐसे अधिकारी जो अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकते उनको तुरंत सस्पेंड करके उनके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत। तो समझे किसान थे या ये कोई, ये तो आप बेहतर बता सकते हैं, हमारे पास तो वीडियोस है उस पूरे घटनाक्रम की जहां महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है और जिस तरीके से इनने गांव दर गांव वहां पर ट्रोल करके पीछे फॉलो करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया। कितने लोग थे? मेरे संज्ञान में नहीं है, 1 थे, 5 थे, 10 थे। तो पुलिस का काम है, वीडियोज अवेलेबल है, ट्रेस करें उन सबके खिलाफ। मेरी SP से बात हुई है, अभी तक एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ। मैंने मांग करी है कि अगर सारे इन्वॉल्व लोग आज शाम तक नहीं अरेस्ट होते तो फिर हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की। ये गांव को बदनाम या हल्के को बदनाम करने की तो स्ट्रेटजी है, मगर कुछ लोग जो कांग्रेस माइंडसेट के हैं, जिसके अंदर गुगड़िया गांव के भी किसान नेता हैं, ये उनकी टीम के सदस्य सामने आए, और या तो वो खुद आके स्वयं इस चीज पे क्लैरिफिकेशन दे, इस चीज में जो इन्वॉल्व लोग थे उनको पुलिस के आगे पेश करे, नहीं तो हम ये भी मांग करेंगे कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। आपके कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बोला कि ये जो कितना कुछ जयप्रकाश के लोग बताए गए। देखिए, कांग्रेस संबंधित लोग हैं, जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसका तो पुराना व्यवहार रहा है,
और एक नहीं जिस चुनाव में भी गया, पिछादमपुर में खुद पिटा था। और ऐसी घटना के अंदर जहां इन्वॉल्वमेंट मिली है, हम एक कदम भी पीछे नहीं होते कि पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। श्रीमती नैना चौटाला जी अपने प्रोग्राम्स को सुचारू तौर से चला चुकी है, पार्टी का कार्यक्रम उसी तरीके से चलते रहे। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।